अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। आज हम बनाएंगे चिकन क्रॉकेट्स। उसके लिए हम एक वोक में थोड़ा ऑयल ले लेंगे, 2 टीस्पून। साथ में हम 1 टेबलस्पून मक्खन भी डाल देंगे। हम इसमें एक बड़ी साइज़ का प्याज डालेंगे, इस तरह से बारीक चॉप करके। 2 मिनट तक प्याज को चलाते हुए पकाने के बाद हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। 1 कप शिमला मिर्च यूज़ कर रहे हैं हम, 3 रंगों की। आप चाहें तो सिर्फ हरी वाली यूज़ करें। 3 हरी मिर्चियाँ भी डालेंगे बारीक कट करके। अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हम 1 टीस्पून भर कर यूज़ कर रहे हैं। फ्लेम को हमें हाई करना है और बस 2 से 3 मिनट चलाते हुए पकाना है, ताकि शिमला मिर्च भी पक जाए और अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है हमने फ्लेम को हाई करके। फ्लेम को अभी लो करना है। हम इसमें 5 टेबलस्पून भरकर मैदा डाल देंगे। अच्छी तरह से भून लेंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट भूनेंगे चलाते हुए। फ्लेम को मीडियम रखें, ज़्यादा हाई ना रखें, और इस तरह से चलाते रहें। 3 मिनट तक अच्छी तरह से हमने मैदे को भून लिया है, फ्लेम लो है। हम इसमें चिकन स्टॉक डालेंगे, ये हम 3/4 कप यूज़ कर रहे हैं। हमने 250 ग्राम चिकन लेकर थोड़ा नमक डालकर बॉईल किया था, उसका जो स्टॉक है जिसे हम सूप भी कहते हैं वो हमने इसमें डाला है। 3/4 कप दूध भी डालेंगे, 1/2 कप भरकर। फ्लेम को हाई नहीं करना है, इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे। अच्छी तरह से चलाने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे। थोड़ा हमने चिकन के स्टॉक में भी नमक डाला था बॉईल करते समय, इसीलिए कम नमक डालें। सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, आप काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून ओरिगैनो, आप मिक्स्ड हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे स्किप कर दें। सारी चीज़ों को हमने लो फ्लेम करके अच्छी तरह से चलाते हुए पकाया 1 मिनट। हम इसमें चिकन डाल देंगे। हमने आपसे कहा है कि 250 ग्राम चिकन लेकर हमने थोड़ा नमक डालकर बॉईल किया और फिर बाद में श्रेड कर लिया। अगर आप कप से मेजर करें तो ये तकरीबन 2 कप भरकर चिकन होगी। थोड़ा हरा धनिया भी डालेंगे, आप चाहें तो इसमें हरी प्याज का जो ग्रीन हिस्सा है वो भी डाल सकते हैं बारीक कट करके। अच्छी तरह से मिला लेना है। नमक हमने थोड़ा कम डाला है क्योंकि स्टॉक में नमक है, और हम इसमें थोड़ी चीज़ भी डालेंगे, चीज़ में भी नमक होता है और मक्खन में भी था, तो ध्यान रखें नमक को कम रखें। फ्लेम को लो करके हम चलाते हुए इस तरह से बस 1 मिनट पका लेंगे, और इस तरह चलाते रहेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। बस ये बिल्कुल रेडी हो गया है हमारा बैटर, हम इसे ठंडा होने देंगे, फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। चिकन का मिक्सचर अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, हम इसमें 1/2 कप भरकर चीज़ डाल रहे हैं। यहाँ हम शेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं। आप जो भी चीज़ पसंद करते हैं वो डालें, या तो चीज़ ना डालें तो भी बहुत अच्छे क्रॉकेट्स बनके तैयार हो जाएंगे। हम इसमें थोड़ी कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, ये पॉइंट पे कुटी हुई काली मिर्च डालने से क्रॉकेट्स का फ्लेवर अच्छा आता है। हम यहाँ पर तकरीबन 1/2 टीस्पून डालेंगे। आपके घर में अगर तेज़ कम खाते हैं, यानी कि तीखा कम खाते हैं, तो आप कम डालें या तो ना डालें। अच्छी तरह से हमने मिक्स किया है, हम इनके अब क्रॉकेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। हाथों को हमने ग्रीस किया है ऑयल से। क्रॉकेट्स की जो साइज़ है वो आप पर डिपेंड होती है, आप छोटे चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं। इस तरह से पहले गोल करेंगे और बाद में हाथों के बीच में रख के इस तरह रोल करेंगे। क्रॉकेट्स बनाकर तैयार हो गए हैं, इसी तरह हम सारे क्रॉकेट्स तैयार कर लेंगे। इतने बैटर में हमने 20 चिकन क्रॉकेट्स बनाकर तैयार किए हैं। हमने 1 अंडा ले लिया है, 1/2 नमक डालकर अंडे को हमने बीट कर लिया है। क्रॉकेट्स को पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर इन्हें ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। इसी तरह सारे क्रॉकेट्स बनाएंगे। ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तेल को हमने अच्छी तरह से गर्म किया है,
हमारे क्रॉकेट्स में सारी चीज़ें पकी हुई हैं, तो आप हाई फ्लेम पर आराम से फ्राई कर सकते हैं इन्हें। बहुत अच्छी तरह ये फ्राई होके क्रिस्प हो गए हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे। हम इसे स्वीट चिली सॉस के साथ सर्व करेंगे। ये स्वीट चिली सॉस की रेसिपी हमने अपलोड की है, आप हमारे चिकन लॉलीपॉप्स की वीडियो ज़रूर देखें, उसमें हमने बताया है स्वीट चिली सॉस किस तरह बनाया जाता है।